झारखंड में बढ़ते कोविड मामले को लेकर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य संसाधनों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। मौके पर सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, DPRO रश्मि सिन्हा, DPM प्रतिमा कुमारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने ऑक्सीजन बेड समेत फंक्शन को चेक कर दुरुस्त रखने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया है। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी 13 प्रखंडों में संचालित CSE सेंटर का मॉक ड्रिल प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को बरमुरिया स्थित कोविड सेंटर में मॉक ड्रिल किया गया था, सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया आज। हालांकि गिरिडीह में एक भी कोविड के मरीज अभी तक नहीं मिले हैं, यह अच्छी बात है। NHM में भी कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के नोडल के तौर पे वहाँ पे प्रतिनियुक्त था। हम लोगों ने यह पाया था कि सभी जिले से जो सैंपल कलेक्ट होता है उसको अगर रैशनल ढंग से अगर हम लोग ये देखें कि किस जिले से कितना सैंपल कलेक्ट हो रहा है और उनको अलग अलग संबंधित RT-PCR लैब्स में, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो यहाँ से रिलेटेड PMCS धनबाद हो या हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हो या कई जिले अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। पिछले कोविड से लेकर अभी तक में कई जिले में RT-PCR लैब्स आ गया है, हम लोग भी आशा करते हैं हमारे पास भी आ जाए। तो इस तरह से अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो तय समय में, निश्चित समय में और जल्दी हम लोगों को जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है RT-PCR का वो भी मिल जाएगा। वो मिल जाएगा। हम लोग